हेलो अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवलिंग विद खलील वहाब के साथ ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। तो जिस जगह मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ, ये वादी कलाम की एक इंतहाई पुरफिज़ा और ख़ूबसूरत मुकाम जगबनाल मेडोज़ है। जगबनाल से हमारी मुकामी ज़बान में कहते हैं, ये एक बेहतरीन चरागाह है जिसमें गर्मियों के दिन कालाम के जो लोग हैं वो अपने माल मवेशी समेत ज़्यादातर लोग इस इलाके में आते हैं। इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत जगह है। यहाँ कुदरत अपने भरपूर रानाइयों के साथ मौजूद है। यहाँ पे आपको इंतहाई ख़ूबसूरत पुराने दियार के बड़े बड़े दरख्त मिलेंगे। 400-500 साल इन दरख्तों की उम्र बताई जाती है। और इसके साथ साथ चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो इंतहाई ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं। यहाँ से आपको फ्लेक्सेर जो कालाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ से आपको मानक्याल की जो चोटी है उसका नज़ारा आप यहाँ से कर सकेंगे। पानी की यहाँ पे किसी किस्म का कोई कमी नहीं है। हर वक्त यहाँ पे साफ़ और शफाफ चश्मे बहते हैं। यहाँ से सबसे जो अच्छी बात यहाँ की है, यहाँ से आप इधर एक ऐसे पॉइंट है जहाँ से आप पूरे कालाम का नज़ारा कर सकते हैं टॉप से। और इसके साथ साथ चंद ऐसी जगह हैं जहाँ पे 4G जो नेट है वो भरपूर तरीके से काम करती है। लाइव कवरेज यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपके पास 4x4 गाड़ी हो तो आप यहाँ तक आसानी पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है तो आप बुयू वैली तक आ सकते हैं। बुयू वैली अलमारूफ, उसे ग्रीन टॉप भी कहा जाता है, वहाँ तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। उससे आगे आप पैदल तकरीबन 1 घंटे का ईजी ट्रैक है, बआसानी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इंतहाई पुरकशिश बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और इस जो वैली है कालाम की जगबनाल मेडोज़, इसका आप लोग ज़रूर विज़िट करेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।